श्री कृष्ण मंदिर के वार्षिकोत्सव पर बचेटा समाज ने निकाली शोभा यात्रा। सामूहिक युवा सम्मेलन में 12 जोड़े बने जीवन के हमसफल। पूरी उड़ीसा में तैयार 3 टन वजनी रथ में सवार होकर ननिहाल पहुंचे प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा यात्रा मार्ग। महावीर इंटरनेशनल के 45वें स्थापना दिवस पर सेवा कार्य शुरू। एकेएच के वार्ड में भर्ती रोगियों को बांटे फल। और शहर में टूटे हुए फेरो ब्लॉक बने हुए हैं, शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण। शिकायतों के बाद भी परिषद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री बसीटा समाज विकास समिति की ओर से वार्षिकोत्सव सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत गुरुवार को शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा व वर वधु की बिंदोली निकाली गई। शाहपुरा मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा व बिंदोली चांग गेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़, सनातन स्कूल मार्ग, माल्यान चौपड़ होते हुए गिफ्सन हॉस्टल पहुंची। शोभा यात्रा व बिंदोली का मार्ग में व्यापारी तथा समाज संगठनों के पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बिंदोली में बड़ी संख्या में समाज बंधु व वर वधु पक्ष के लोग शामिल थे, जो बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। बिंदोली के गिब्सन हॉस्टल पहुंचने पर सामूहिक तोरण की रस्म अदा की गई। सामूहिक तोरण की रस्म के पश्चात गिब्सन हॉस्टल में अतिथि सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवादल के प्रदेश मुख्य संगठक तथा मसूदा विधायक राकेश पारिक, पीसीसी सचिव पारस पंच, कल्पना भटनागर, सोहन मेवाड़ा, मेघराज बोहरा, वीरेंद्र सिंह रावत, गोपाल खाटवा, समाज अध्यक्ष दयाराम करवरिया तथा पूर्व सभापति शशिबाला सोलंकी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस मौके पर समाज की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए मसूदा विधायक पारिक ने अपने संबोधन में समाज की ओर से आयोजित सामूहिक युवा सम्मेलन की तारीफ करते हुए कहा कि इससे समाज में भाईचारे का संचार होता है और समाज में फिजूल खर्ची कम होती है। सभी के एकजुट होकर काम करने के कारण एकता में वृद्धि होती है। पारिक ने इसके लिए सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया। इसी कड़ी में पीसीसी सचिव पारस पंच ने भी वार्षिकोत्सव तथा सामूहिक युवा सम्मेलन के लिए समाज के लोगों को बधाई दी। साथ ही बसीटा समाज के बलाड़ स्थित मंदिर पर सड़क की समस्या का समाधान भी शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में पंच ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सभी समाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। समाजों के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन हास्य कलाकार ओम महावर ने किया। इसके पश्चात समाज के 12 जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया गया। पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात सामूहिक प्रतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात गिब्सन हॉस्टल में ही समापन विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के दौरान समाज बंधुओं ने वर तथा वधु को शुभाशीष देते हुए उज्ज्वल गृहस्थ जीवन की कामनाएं की। इस मौके पर वर वधु को आवश्यक घरेलू सामग्री भेंट करते हुए विदाई दी गई। इस दौरान चतुर्भुजता सुंदरलाल भाटी, शंकरलाल भाटी, कन्हैयालाल बामणिया, दयाराम साखला, रामचंद्र मावर, ओम प्रकाश साखला, रमेश चंद चौहान, भवनलाल खेरतला, पुष्कर राज पंवार, विनोद खाटवा, विनोद डागर सहित अन्य उपस्थित थे। शहर में कई क्षेत्रों में टूटे हुए फेरो ब्लॉक आमजन के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। लंबा समय बीत जाने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन की ओर से इन टूटे हुए फेरो ब्लॉक की सुध नहीं ली गई है, जिसके कारण वाहन चालकों व आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के छावनी क्षेत्र में गत 10 दिनों से नाला से अटे हुए फेरो ब्लॉक क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी की वजह बने हुए हैं। 10 दिनों पूर्व छावनी क्षेत्र के स्थित अश्विनी अस्पताल के समीप स्थित नाले से फेरो ब्लॉक टूटे हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को
हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि 10 दिनों पूर्व नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से फेरोब्लॉक हटाए गए थे, लेकिन अब तक फिर से हटाए गए फेरोब्लॉक लगाए नहीं गए हैं। उक्त क्षेत्र के आसपास कई चिकित्सक व चिकित्सालय होने के चलते वहाँ मरीजों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में क्षतिग्रस्त फेरोब्लॉक से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। इसके साथ ही बरसात का मौसम शुरू होने से अब हादसे की आशंका और अधिक बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द फेरोब्लॉक को फिर से लगाया जाए, जिससे हादसे की आशंका दूर हो। इसी प्रकार शहर के अति व्यस्तम पाली बाजार के मुहाने पर स्थित आर्य समाज गली चौराहे पर विगत कई दिनों से एक फेरोब्लॉक टूटा हुआ है। टूटे हुए फेरोब्लॉक के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर इस बाबत कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मालूम हो कि आर्य समाज गली चौराहे की तरफ विगत दिनों सीवरेज लाइन डालने के लिए खुदाई का काम किया गया था। कार्य के दौरान यहां स्थित नाले पर रखा एक फेरोब्लॉक टूट गया। सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क को ठीक कर दिया गया, लेकिन टूटे हुए फेरोब्लॉक की तरह किसी का ध्यान नहीं गया और उसे इसी स्थिति में छोड़ दिया गया, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि उक्त चौराहे पर यातायात का भारी दबाव रहता है। दिन भर यहाँ से दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसी स्थिति में टूटा हुआ फेरोब्लॉक परेशानियों का कारण बना हुआ है। शहर के अजमेर रोड स्थित एटलस बैटरी के पीछे स्थित रेलवे ट्रैक पर गुरुवार अलसुबह एक युवक मालगाड़ी के चपेट में आकर अकाल मौत का ग्रास बन गया। क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान अमरीका बाड़िया निवासी सुरेंद्र पुत्र लादूराम नायक के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक बुधवार रात से ही घर से गायब था। गुरुवार सुबह सिटी थाने के ASI ब्रजमोहन ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों की उपस्थिति में लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महावीर इंटरनेशनल शाखा ब्यावर की ओर से 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। आगामी एक सप्ताह तक चलने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए जाएंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को पदाधिकारियों तथा सदस्यों की उपस्थिति में राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में फल व बिस्कुट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सालय के विभिन्न वार्डो में भर्ती रोगियों को फल तथा बिस्कुट वितरित करते हुए उनकी कुशल क्षेम जाने, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। फल वितरण के दौरान अमित पारिक, सुनील छाजेड, सुनील सकलेचा, ज्ञानचंद कोठारी, मनोज शारदा, सुरेंद्र कोठारी, नीलेश बुरट, नरेश बंसल, ज्ञानचंद सेठिया तथा गुलशन जैन सहित अन्य उपस्थित थे। हमारा पूरा सप्ताह भर तक कार्यक्रम चलेंगे। कल वृद्धाश्रम में है, उसके बाद देवी ज्योति स्कूल के अंदर बच्चों को खाना खिलाएंगे। श्री श्याम बाबा सेवा समिति सेंधा रोड की ओर से गुरुवार को एक निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री भंवर सिंह डांगावास की 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर संजीव सिंह डांगावास के सौजन्य से आयोजित शिविर में ENT विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप डांगावास ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का शुभारम्भ विधायक शंकर सिंह रावत ने फीता काट कर किया। अस्पताल रोड स्थित शनि मंदिर के सामने स्थित दोपहर 1 बजे तक आयोजित शिविर में करीब 110 से अधिक रोगियों को नाक, कान व गला रोग से संबंधित रोगों का उपचार तथा परामर्श दिया गया। शिविर के दौरान तुलसाराम भाटी, मुकेश भाटी, मनमोहन शर्मा, सुरेश भाटी, मनोज भाटी, नैनुराम देवड़ा, भंवर कच्छा व अशोक भाटी, रमेश जैन, जुगल गांधी तथा अब्दुल रऊफ सहित अन्य ने अपनी सेवाएं दी। यहाँ पे कान नाक गला परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का आयोजन श्री भंवर सिंह डांगावास स्मृति ट्रस्ट के द्वारा उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है। इसमें श्याम बाबा सेवा समिति और नूतन मेडिकल्स के सहयोग से हमने यहाँ ब्यावर में ये कैंप कराया है और अगले गुरुवार से, हर गुरुवार हम 12 बजे से 2 बजे तक का समय देंगे यहाँ पर, जिसमें गरीबों के लिए निःशुल्क रहेगी OPD और उनको निःशुल्क परामर्श की सेवा यहाँ पर लगातार दी जाएगी।
शहर के निकटवर्ती गांव सुवा सुरता का बाड़िया में वन्य जीव का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया। वन विभाग के रेंजर मुल्के सालवान ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली थी कि सुरता का बाड़िया गाँव में बहादुर सिंह के खेत में खरगोश का शिकार किया गया है तथा मृत खरगोश अभी खेत में ही पड़ा है। ग्रामीणों की सूचना पर वे मई जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा मौके का जायजा लिया तो उन्हें खेत में एक मृत खरगोश मिला, जिस पर कार्यवाही करते हुए मालू सिंह व बुद्धराम पुत्र बहादुर सिंह को खरगोश का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही खरगोश के शव को कब्जे में लेकर ब्यावर वन विभाग पहुंचे, जहां पर खरगोश का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सालवान ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके खेत में कपास की फसल उगाई हुई है। वे दोनों भाई रात में खेत में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए बंदूक से हवा में गोली चलाकर जंगली जानवरों को भगाते हैं। उन्होंने बताया कि देर रात को जब उन्होंने हवा में गोली चलाई तो वह गोली खरगोश के लग जाने के कारण उसकी मौत हो गई। रात के समय मसूदा से शिकायत आई थी मेरे पास में सुरता के वाड़िया से कि कुछ लोगों ने खरगोश का शिकार किया है। मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर इन लोगों ने एक खरगोश मारा था। ये बता रहे हैं कि कपास की जो है रखवाली कर रहे थे, शाम के टाइम खरगोश नुकसान कर रहे थे, उस चक्कर में फायर करते हैं खरगोश मर गया। बंदूक से मारा है इन्होंने, अब कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी कार्रवाई होगी। शहर और आसपास के क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद करीब 3:43 पर लंबे समय बाद एक बार फिर तेज धमाका हुआ। धमाके की तेज आवाज करीब 2 मिनट तक शहरवासियों के कानों में गूंजती रही। विगत कई वर्षों से शहर में गूंज रहे धमाकों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहर में पहले की इस तरह कई बार भी धमाकों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में शहरवासियों में कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही है। वहीं शहरवासियों के जहन में धमाकों को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। नागरिक इन धमाकों से अनजान है। अब तक हुए शहर में इन रहस्यमयी धमाकों के बारे में प्रशासन भी अनजान ही बना हुआ है। गुरुवार को जैसे ही धमाके के साथ कंपन हुआ, लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि धमाके गूंज से ऐसा लग रहा था जैसे घर की छत पर कोई बड़ा पत्थर गिरा दिया गया हो। शहर में बार बार हो रहे इन रहस्यमयी धमाकों से शहरवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन इसका सुख नहीं ले रही है। इन धमाकों के कारण हमारे मकानों में दरारें आ रही है। इतनी जोर से धमाके होते हैं कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकल जाना पड़ता है, जिससे बर्तन भी नीचे गिर जाते हैं और जो कांच के खिड़कियाँ हैं उनमें भी दरारें आ जाती हैं। दोपहर को 3:45 पर एक बड़ा सा धमाका हुआ। इस धमाके का अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा, पता नहीं चला। प्रशासन अभी तक कोई पता नहीं कर सकी इसका। इससे हमारी दुकानों में, हमारे घरों पे सामान वगैरह गिर चुके हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। एक आकाश से धमाका हुआ, वो अभी तक मालूम नहीं पड़ा वो धमाका किस चीज़ का था। कोई ट्रांसफार्मर का था या कोई और चीज़ का था जो सुनते देखते थे। तकरीबन 6 सालों से इस तरीके के धमाके ब्यावर के अंदर हर गत वर्ष में भी 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने में 6 महीने में हो रहे हैं। प्रशासन इस चीज़ का पता नहीं लगा पा रहा अभी तक ये धमाके किस चीज़ के हो रहे हैं। और यहाँ तक के बच्चे और जो बेवाएँ माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा ये अभी तक इस चीज़ का आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। वन विभाग ने गत 1 जुलाई से दिलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में तैयार किए गए पौधों का वितरण शुरू कर दिया है। वन विभाग की ओर से उनकी नर्सरी में तैयार किए गए लगभग 22 अलग अलग किस्मों के पौधों का वितरण शुरू किया गया है। शहरवासियों को शहर में ही सरकारी नर्सरी से ही रियायती दर पर पौधे मिलेंगे। मानसून की तैयारी को लेकर दिलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग की नर्सरी में गत 2 माह से पौधे तैयार किए जा रहे थे। ब्यावर रेंज स्थित वन विभाग की नर्सरी को वर्ष 2019 के मानसून के पहले 40,000 पौधे तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य मिलने के साथ ही वन विभाग ने पौधे तैयार करने की शुरुआत कर दी थी। वन कर्मचारियों ने बताया कि इस बार देलवाड़ा नर्सरी में इस वर्ष के 40,000 पौधों के साथ ही गत वर्ष के बचे लगभग 69,932 पौधे भी तैयार किए जाएंगे। इस तरह विभाग की ओर से देलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में मानसून पूर्व लगभग 1,09,932 पौधे तैयार किए गए हैं। वन विभाग की ओर से देलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में गुलाब, मोगरा, चमेली, बोगनवेलिया, कनेर, नीम,
बबूल, नींबू, अनार, खेजड़ी, कचनार, चुरेल, करंज, शीशम, गुलमोहर, अरडू, पीपल, आंवला, जामुन, अमलताश, आम तथा सीताफल सहित अन्य पौधे तैयार करवाए गए हैं। वन विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों, सरकारी विभागों तथा एनजीओ सहित आमजन को रियायती दर पर अलग अलग किस्मों के पौधों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य दिया जाता है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों की ओर से वन विभाग की नर्सरी में जाकर पौधे लिए जाते हैं। नर्सरी के अंदर अभी 1,07,000 का पौधे करीब हमारे पास हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं। कुछ प्लांटेशन में जाएंगे हमारे, जिसमें जो कैंपा के बड़े पौधे हैं उनकी रेट तो 15 रुपये, 40 रुपये, 70 रुपये है। और बाकी फार्मर विद्या के हमारे 12,800 पौधे हमारे पास हैं, जो हम 1 रुपये में स्कूलों को और जो सरकारी संस्थाएँ हैं, पंचायत है या जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, उनको हम 1 रुपये में सरकारी रेट पर देंगे। और बाकी भी 5 रुपये के हिसाब से जो छोटे पौधे हैं आरएसबीपी के। चांगेर क्षेत्र में निर्माण कार्य पर मजदूर ले जाने के लिए आए ठेकेदार युवक की अज्ञात उठाईगिरों ने जेब तराशी कर ली। चोरों ने उसकी जेब काटते हुए करीब 35,000 रुपए की नकदी निकाल ली। मामले की पीड़ित ने श्री थाना पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुंदो का बाला निवासी सुल्तान पुत्र दुलाकाठा निर्माण कार्य की ठेकेदारी करता है। सुल्तान ने बताया कि गुरुवार की सुबह वह मजदूर लेने के लिए चांगेट आया, तब उसकी जेब में 35,000 रुपए की रकम थी। इस दौरान उसने 2-3 मजदूरों से बात की। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाते हुए किसी ने जेब पर हाथ साफ करते हुए रकम निकाल ली। घटना की जानकारी सुल्तान को उस समय लगी जब उसने किसी कार्य के लिए रुपए निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। रुपए नहीं मिलने से सुल्तान के होश उड़ गए। सुल्तान ने पुलिस को मामले की लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने चांगेर क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है, जिसमें 2 युवक संदिग्ध नजर आ रहे हैं। चांगेर से मजदूर लेने के लिए गया था, 3 मजदूर मेरे साथ लिए, जो था आदमी ने मेरे जेब से करीबन 35,000 रुपए निकाल लिए और उसकी रिपोर्ट में थाना में देखने आए, उसको पकड़ लिया। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के नरसिंहपुरा लिंक रोड सरस्वती नगर स्थित केला देवी मैया मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन पंडित विष्णुदास महाराज ने श्रद्धालुओं को कथा रसपान करवाया। इस मौके पर पंडित ने राजा परीक्षित की कथा, सुखदेव महाराज का जन्म तथा विदुर चरित्र का गुणगान करते हुए कलयुग से मुक्ति प्राप्त करने की ज्ञान गंगा प्रवाहित की। कथा के दौरान गुरुवार को भगवान शिव व पार्वती के विवाह प्रसंग की आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कथा के दौरान खेमचंद ग्वाला, लाला भाई ग्वाला, मोहनलाल, राजेंद्र प्रसाद, पार्षद हनुमान चौधरी, रामकिशोर कच्छावा, पन्ना लाल, कमल किशोर कच्छावा, डॉक्टर केएल अहीर, महेंद्र सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रदेश के परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने व रोकने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी ब्यावर देवीचंद ढाका ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इन दुर्घटनाओं का कारण कई बार हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन सामने आ रहे हैं। हाईवे किनारे खड़े रहने वाले वाहनों के कारण कई भीषण हादसे घटित हो जाते हैं, जिसमें कई जाने तक चली जाती है। ढाका ने बताया कि विभाग ने हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसके लिए विभाग की सभी फ्लाइंग टीमों को निर्देशित किया गया है कि अगर हाईवे किनारे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा इस प्रकार के वाहनों को जब्त किया जावे और नियमानुसार कार्यवाही की जाए, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सके। ढाका ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को खड़ा करना मोटर व्हीकल एक्ट नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई वाहन खड़ा करके अगर चला जाता है तो वो एमपी एक्ट तथा आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध है। इस तरह से कोई वाहन रोड पे खड़ा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस वाहन को जब्त किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसको हम सख्ती से देख रहे हैं, हमारे फ्लाइंग्स को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है और फ्लाइंग्स इस चीज़ का ध्यान रख रही है कि रोड के ऊपर किसी भी तरह का कोई वाहन खड़ा नहीं रहे, जिससे
स्पीड से आने वाले दूसरे वाहन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और वो सही सलामत निकल जाए, इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और हमारा प्रयास ये है कि सड़क सुरक्षा के तहत हम दुर्घटनाओं में कमी लाएं, उसके तहत हम ये। राज क्षेत्र में एक औद्योगिक इकाई में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने गुरुवार की दोपहर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार आंबारास निवासी मेवाराम पुत्र रघुनाथ फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था, इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसकी अचेतावस्था में एकेश लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को चीरघर में रखवाया, जहां गुरुवार की दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के स्तर को निजी क्षेत्र के बराबर लाने के लाख प्रयास करने के दावे अधिकारियों की ओर से किए जा रहे हो, लेकिन असल में यह दावे खोखले नजर आते हैं। शहर में संचालित कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन तक नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ता है। गर्मी के कारण समय से पहले केंद्र खाली हो रहे हैं। वहीं शहर के महिला बाल एवं विकास विभाग में बैठने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कमरों में पंखों की सुविधा है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर में कुल 117 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें से 14 केंद्र ही ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में चल रही है। इसमें से भी एक स्कूल की आंगनबाड़ी ऐसी है जिसमें बिजली नहीं होने के कारण बच्चों को गर्मी में बैठना मजबूरी बन गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि विभाग स्वयं भी मानता है कि कम किराया राशि मिलने के कारण केंद्र पर बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसी का नतीजा है कि विभाग भी अपने एक ही आंगनबाड़ी के केंद्र पर बिजली का कनेक्शन नहीं होने की बात कह रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के कोठरी जैसे कमरों में चलने का मुख्य कारण कई सालों से विभाग की ओर से केंद्र संचालित करने के लिए महज 700 रुपए बतौर किराया राशि दी जा रही है। ऐसे में इतने कम किराया राशि में शहरी क्षेत्र में कमरा मिलना ही मुश्किल हो जाता है। कम किराया राशि के कारण ही कमरा मालिक बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराता है। आलम यह है कि केंद्र के कार्यकर्ता को अपने स्तर पर पानी पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा विभाग व महिला बाल विकास विभाग ने संयुक्त प्रयास करते हुए सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने की योजना बनाई थी, जिससे सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की नामांकन संख्या को बढ़ाया जा सके। इसी के तहत कॉलेज रोड स्थित जटिया कॉलोनी में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 साल पहले वार्ड संख्या 24 की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 16 व वार्ड संख्या 23 की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 15 को शिफ्ट किया गया था, लेकिन 1 साल पहले ही स्कूल में नामांकन संख्या कम होने के कारण अन्य स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। स्कूल से बिजली कनेक्शन कट जाने के कारण इस बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि स्कूल पर 20,000 रुपए का बिल बकाया चल रहा है। बिजली का बिल नहीं चुकाने के कारण स्कूल का कनेक्शन काटा गया है। ऐसे में बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ रहा है। गर्मी में लाइट नहीं होने के कारण माता पिता बच्चों को भेज नहीं रहे हैं। हमारी ओर से पूरी कोशिश है और हम लाइट लेने की एप्लीकेशन लगा रखी है समाज में। स्कूल से था पहले कनेक्शन, जो अब काटा गया है। अब हम समाज से लेने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है, बातचीत करी है यहाँ के अध्यक्ष से। पूरी कोशिश है कि बच्चे को हम खुद गर्मी में नहीं रखना चाहते। पूरी उड़ीसा की तर्ज पर धर्मनगरी ब्यावर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुरुवार को धूमधाम से निकाली। इसमें श्रद्धालुओं ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। इस बार भगवान जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में 3 लाख रुपए कीमत से तैयार 3 टन वजनी रथ में सवार होकर ननिहाल पहुंचे। गुरुवार को जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा दोपहर 3 बजे से गोपाल जी मोहल्ला से प्रारंभ हुई। फूलमालाओं से सुसज्जित रथ में विराजमान ठाकुर जी की आरती के बाद चेरापोरी की रस्म निभाई गई। इसके साथ ही हरिराम संकीर्तन के साथ प्रभु के रथ को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। शोभा यात्रा का मार्ग में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। रथ को फूलमालाओं से सुसज्जित किया गया। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा भी विराजमान थी। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव व बहन सुभद्रा के साथ ननिहाल जाते हैं। ये तीनों देव अपनी यात्रा सजे संवरे रथ में सवार होकर करते हैं। इसे पुरी में रथ यात्रा या रथ महोत्सव कहा जाता है। रथ यात्रा मिलन
संविधान एकता तथा अखंडता का प्रतीक है। इस प्रसंग को लंबे समय से ब्यावर में भी साकार किया जा रहा है। रथ यात्रा गोपाल जी मोहल्ला से प्रारंभ होकर महादेव छत्री, एकता सर्किल, महावीर बाजार, पिपलिया बाजार, सनातन स्कूल मार्ग, शाहपुरा मोहल्ला, गिब्सन हॉस्टल मार्ग, चमन चौराहा, पाली बाजार, सर्राफान मोहल्ला से भगत चौराहा से अजमेरी गेट, प्रसन्न गणपति मंदिर होते हुए बांके बिहारी मंदिर पहुंची। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों के साथ पंडित मुकुंद शरण दादीज, विजय तंवर, माणक दानी सहित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के अन्य सदस्य शामिल थे। यात्रा का पूरा मार्ग जय जगन्नाथ के नारों से गुंजायमान हो गया। नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु टेऊरा महाराज का 155वां जन्म महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभूलाल साई ने बताया कि गुरुवार को सुबह दरबार में हवन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां दी गई। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश आश्रम में श्रीमद भागवत गीता और श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ के पाठों का भी भव्य आरम्भ किया गया। इसके बाद प्रेम प्रकाश आश्रम के संत शंभूलाल साई के सानिध्य में गौशाला में गौ सेवा की गई। गौसेवा के दौरान गायों को मिष्ठान और हरा चारा खिलाया गया। प्रचार प्रमुख नरेंद्र जेसवानी ने बताया कि शाम को संत शंभूलाल साई ने दरबार में सत्संग किया, जिसमें उन्होंने सदगुरु टेऊरा महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। शाम को आरती के बाद सत्संग का समापन किया गया। इस अवसर पर उद्धव दास गुंडानी, सुंदर वासवानी, भगवान दरियानी, पवन राजवानी, सनी बाबानी, रामचंद्र भोजवानी तथा आसन दास वासवानी आदि ने अपनी सेवाएं दी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के बांके बिहारी मंदिर में आगमन को लेकर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। गुरुवार शाम को भगवान के अपने ननिहाल बांके बिहारी मंदिर पहुंचने पर मंदिर के ट्रस्टी, उत्सव समिति सदस्यों एवं श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी का उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पंडित मुकुंद शरण दादीज के सानिध्य में पांच पितृजनों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया और आरती उतारी गई। ठाकुर जी के मंदिर में विराजित होने के बाद कदम भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत आगामी 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 9 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन चावल से निर्मित विशेष व्यंजनों का भोग लगेगा, जिसमें मुख्य रूप से खीरान, पोंगल, कढ़ी खिचड़ी, राम खिचड़ी, दही भात, आम भात, छप्पन भोग, श्रीखंड और मीठे खाजे का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार 9 दिन तक विभिन्न मंडल प्रस्तुतियां देंगे। शुक्रवार को जानकी मंडल द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें ठाकुर जी का जन्मोत्सव एवं नंद उत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में 6 जुलाई को स्वरागिनी मंडल द्वारा झूला महोत्सव, 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ प्रभु का फूल बंगला सजाया जाएगा, जिसमें केसुदामा मंडल के महेंद्र साखला एवं भागचंद चौहान ठाकुर जी को भजनों से रिझाएंगे। 8 जुलाई को मारुतनंदन मंडल द्वारा नौका विहार और वन विहार की झांकी सजाई जाएगी। 9 जुलाई को किशोरी सखी मंडल द्वारा फूलों की होली विफाग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 10 जुलाई को आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा ठाकुर जी के विवाह उत्सव में भजन प्रस्तुत किए जाएंगे। 11 जुलाई को श्यामा श्याम वंदना परिवार के गोपाल वर्मा भजन प्रस्तुत करेंगे। इसी दिन गोवर्धन पूजा और छप्पन भोग महोत्सव भी आयोजित होगा। 12 जुलाई को हरिनाम संकीर्तन मंडल द्वारा कार्यक्रम इसी दिन शाम 5 बजे अभिषेक नगर स्थित निज धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ सांवरिया सेठ मंदिर पर भक्तों द्वारा जगन्नाथ प्रभु का स्वागत किया जाएगा। विगत 18 फरवरी 2016 को उड़ी के आतंकी हमले में शहीद हुए भीम क्षेत्र के राजवा गांव निवासी शहीद हवलदार निम्न सिंह रावत की वीरांगना रोड़ी देवी को गुरुवार को जवाजा में राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल तथा भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के साथ सहायता राशि के रूप में 11,14,950 रुपए का चेक सौंपा। यह राशि राजसमंद जिला के राज्य कर्मचारियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन देकर एकत्रित की थी। इस मौके पर भीम उपखंड अधिकारी सृष्टि सोनल सुमन, विकास अधिकारी रमेश मीणा, तहसीलदार उगम सिंह राजपुरोहित भी उपस्थित थे। मालूम हो कि वीरांगना रोड़ी देवी वर्तमान में जवाजा में निवास करती है। इसके पश्चात विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टोगी का जिला कलेक्टर से अवलोकन करवाया, जिसकी वर्षा ऋतु में छत टपक रही है। जिलाधीश ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने के आदेश दिए। इस दौरान भीम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभुदयाल नागर, कार्यकारिणी के पदाधिकारी धन्ना लाल सेन, प्रवक्ता पिंटू गांधी, नारायण टोगी, युवा नेता भूपेंद्र सिंह, सारोट सरपंच राकेश, पूर्व सरपंच मीठालाल एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
श्री कृष्ण मंदिर के वार्षिकोत्सव पर बसेटा समाज ने निकाली शोभा यात्रा। सामूहिक युवा सम्मेलन में 12 जोड़े बने जीवन के हमसफर। पूरी उड़ीसा में तैयार 3 टन वजनी रथ में सवार होकर ननिहाल पहुंचे प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा यात्रा मार्ग। महावीर इंटरनेशनल के 45वें स्थापना दिवस पर सेवा कार्य शुरू। एकेएच के वार्ड में भर्ती रोगियों को बांटे फल। और शहर में टूटे हुए फेरोब्लॉक बने हुए हैं, शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण। शिकायतों के बाद भी परिषद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान।